नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्यहिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये सीटें कूचबिहार, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली के जिलों में पड़ती हैं। इस चरण में बड़ा सवाल ये है कि क्या मुसलमानों से वोट नहीं बंटने देने की ममता बनर्जी की अपील चौथे चरण के मतदान का सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरेगी। बता दें, ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा और उस पर वह जिस तरह अड़ी हुई हैं, वह चौथे चरण के मतदान के लिए बेहद अहम है। इसकी वजह यह है कि दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कूचबिहार और अलीपुरद्वार में जहां आज मतदान होना है, वहां मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में तो मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 40% के आसपास है, पर अलीपुरद्वार में ये तादाद उससे अधिक है और कूचबिहार में ये तादाद 45% के आसपास है। चौथे चरण के मतदान के दौरान हिंसा होने लगी है। कूचबिहार के सितालकुची में टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। इसमें दोनों ओर के कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज कर दिया है। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग से बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सीतलकुची, नातालबारी, तूफानगंज और दिनहाट के पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा कर रहे हैं। टीएमसी के बूथ एजेंट को पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। चौथे चरण के मतदान से पहले शुक्रवार को ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो उनकी हत्या करने की साजिश रच सकते हैं। ममता ने अमित शाह से सवाल पूछते हुए कहा कि आपके पास कितना पैसा है जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये पैसा कहां से और कैसे आया। इसके बाद ममता ने कहा कि अब मैंने ये पूछा है तो मैं जानती हूं कि मेरी हत्या की साजिश रची जा सकती है। ममता ने कहा कि पहले उन्होंने मेरे पैर को चोटिल किया और अब हत्या की योजना भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं लोगों के मुद्दे उठाते रहूंगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 145,384 नए मामले सामने आए हैं और 794 लोगों की जान भी गई है। बीते दिन संक्रमण के 131,968 मामले आए थे और 780 लोगों की मौत हुई थी। चिंताजनक तस्वीर ये है कि दूसरी लहर में संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या भी 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के खासे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और दिल्ली ने नाइट कर्फ्यू सहित तमाम सख्तियों को लागू किया। बावजूद इसके इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 58,993 मामले सामने आए हैं और 301 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 26,95,065 लोग होम क्वारंटीन में हैं और कुल एक्टिव मामले 5,34,000 से अधिक हैं। मुंबई में इस दौरान 9,200 नए मामले सामने आए हैं और 35 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों ने रफ्तार और तेजी पकड़ ली है। पिछले एक दिन में 8,521 नए मामले सामने आए और 39 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते साल 11 नवंबर के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में अब तक 11,196 लोगों की मौत इस महामारी के कारण हो चुकी है और 26,631 एक्टिव मामले हैं। बता दें, दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले एक दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9,695 नए मामले सामने आए और 37 लोगों की मौत हुई। बीते दिन संक्रमण का यह आंकड़ा 8,490 था और मौत का आंकड़ा 39 था। राज्य की राजधानी लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहां 2,934 मामले मिले हैं। इसके बाद प्रयागराज में 1,016, वाराणसी में 845 और कानपुर में 522 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में भी संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले एक दिन में 7,955 नए मामले सामने आए और 46 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 5,576 मामले तो बेंगलुरु शहर से सामने आए हैं। राज्य में अब तक 12,813 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से 2,765 नए मामले सामने आए और 11 लोगों की मौत हुई। केरल में इस दौरान 5,063 मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इस तरह की शिकायतें कर चुके हैं। गहलोत ने कहा कि कोरोना के टीकाकरण को जारी रखने के लिए वैक्सीन की फिर से आपूर्ति की जाए। चिट्ठी में लिखा है कि राज्य में जो स्टॉक बचा है वह अगले 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा और केंद्र कम से कम 30 लाख डोज राज्य को भेजे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।
अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।